Okay, take the correct option for the question 1 to 25. When the integers 10, 0, 5, minus 5 and minus 7 are arranged in descending or ascending order, चाहे हम इसे descending में लिखे, चाहे ascending में, then find out which of the following integers always remains in the middle of the arrangement. Who will tell me the answer? जल्दी से. मैं विराज. हाँ जी बताइए. मैम नंबर 5. नंबर 5. How? Ascending में पहले छोटा आएगा, minus की बड़ी term छोटी होती है. So ascending में like this. Now descending order में लिखेंगे 10, 5, 0, minus 5, minus 7. So which digit is in the middle? 0. चाहे हम इन numbers को ascending order में लिखें, चाहे descending में 0 is in the middle of the arrangement. Next one. By observing the number line, state which of the following statements are true. Okay. So 0 here. So this will be minus 1, minus 2, minus 3. B ki value hai minus 4. Now, what about A? This is 10, then 9, 8, and A is 7. Okay. B is greater than minus 10. Yes or no? क्या b की वैल्यू माइनस 10 से बड़ी है? यस मैम. यस, लेकिन हमें पूछा है नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है. a इज ग्रेटर देन 0, b की वैल्यू माइनस 10 से बड़ी है. b इज ग्रेटर देन माइनस 10, माइनस की जितनी टर्म बड़ी होती है वो एक्चुअली में छोटी होती है. a इज ग्रेटर देन 0, दिस इज आल्सो ट्रू. B is greater than A. Minus 4 क्या 7 से बड़ा है? I'm not true. No. So this is less than. So this statement is not true. So B is smaller than 0. This is also true. B की value क्या है? Minus 4. That is less than 0. By observing the above number line, state which of the following statement is true. अभी हमने value find की थी. B is minus 4, A is 7. B is minus 4. This statement is true. अभी हमने previous question में ही values लिखी थी. B is minus 4, A is 7. तो correct statement B is minus 4. Okay. Next three consecutive numbers in the pattern 11, 8, 5, 2 and so on. So, kya kiya isme? Yes, Virat, tell me. Next numbers kya honge? Pehle dekhiye kaun sa pattern follow ho raha hai jo given digits hai. 11 mein se 3 minus karun 8 aa raha hai. Mom, can I tell Viraj? Okay, just a minute. तो 3 माइनस हो रहा है, 8 में से 3 माइनस किए, 5 में से 3. अब 2 माइनस 3 माइनस 1, देन माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7. राइट आंसर विराट. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. आई होप क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी को क्लियर है. इज देयर एनी डाउट? मैम प्लीज. कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? देखो माइनस की टर्म है लेकिन वैल्यू कम हो रही है, इट मीन्स इसमें कुछ टर्म एड की गई है. 62 में से क्या मैं माइनस करूं 37? 12 माइनस 5, 5 माइनस 2, मीन्स 25 एड किया गया है. अगले में भी आप 25 ऐड करके देखो, माइनस 12 आ जाएगा. यस एकम, व्हाट विल बी द नेक्स्ट? फिलअप में क्या फिल करेंगे? एकम इज सेइंग प्लीज शो द प्रीवियस स्लाइड. ओके, ओके बताइए बच्चों, आप क्या कॉपी में नोट कर रहे हो क्वेश्चंस को? सिर्फ आंसर आंसर नोट करना अगर कर रहे हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है आपको. नोट कर लीजिए आंसर आंसर जैसे ये नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन है ना, लिखिए एंड राइट. ओके, एक काम, व्हाट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5?
माइनस 12 में ऐड करो प्लस 25 मैम द आंसर यस मैम 75 माइनस 12 में आंसर विराट माइनस 12 मैम कैन आई टेल विराट जस्ट अ मिनट विराट एक हम बताइए जल्दी माइनस 12 प्लस 25 इंटीजर्स को सॉल्व करना आता है मैम नेगेटिव बताइए व्हाट विल बी द आंसर मैम नेगेटिव 37 योर वॉइस इज नॉट मैम यस नेगेटिव 37 इट इज प्लस 13 25 मैम नेगेटिव 12 13 बड़ी टर्म के साथ पॉजिटिव है सो आंसर विल बी पॉजिटिव यस ए कम राइट आंसर प्लस 13 इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू जब हमें नॉट ट्रू क्वेश्चन में कभी भी गिवन हो उसे अंडरलाइन करो क्यों क्योंकि ज्यादातर टाइम ट्रू ही पूछा होता है ताकि आप गलती ना करो ओके When two positive integers are added, we always get a positive integer. Yes, Viraj, tell me, is it true or not? Ma'am, it is true. Yes. Agar koi bhi do positive integers ko add karoge, answer will always positive. Next, Viraj, when two negative integers are added, we always get a negative integer. Yes or no? True. Okay. अगर दो negative integers को add किया जाए, so answer will always be a negative integer, right? एकम, C part. When a positive integer and negative integer is added, एक positive और एक negative integer add करेंगे, we always get a negative integer. Ma'am, true. Yes, Ekam. अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव है उसे ऐड करो एग्जांपल लेके देखो एक मैंने ले लिया 6 एक ले लिया -2 इन्हें ऐड किया व्हाट इज द आंसर मैम द आंसर विल बी मैम द आंसर विल बी नेगेटिव ऑलवेज गेट अ नेगेटिव 6 - 2 = 4 साइन आएगा बड़ी टर्म का पॉजिटिव लेकिन हमें तो कहा है ऑलवेज नेगेटिव तो ये यही फॉल्स हो गया इट शुड बी नेगेटिव अगर मैं माइनस की टर्म बड़ी ले लूं देन नेगेटिव में आएगा जीरो भी आ सकता है अगर मैंने इक्वल ले लिए इंटीजर्स सो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया जाता है सो आंसर मे बी पॉजिटिव Maybe negative and maybe zero. तीनों options हो सकती हैं. Okay, next one. So हमें not true बताना था. So this option is not true. Last भी check कर लेते हैं. Additive inverse of an integer 2 is -2. Inverse of -2 is 2. This is also true. Additive inverse क्या होता है? एक additive inverse -a. 2 का -2 और -2 का additive inverse -2 का additive inverse plus k2 okay let us move to the next one now fifth slide pe move karte hain question number 7 on the following number line value 0 is shown by the point okay virat your turn kaun sa alphabet value 0 show kar raha hai ab dekho z okay 10 5 0 minus 5 minus 10 so z is showing 0 right answer kyunki yahan pe 5 parts mein divide hua hai first second third fourth and 5 to 5 5 ka gap chal raha hai kyunki yahan 10 hai yahan minus 15 so 10 se pehle 5 0 minus 5 minus 10 minus 15 next viraj your turn for question number 8 ma'am answer will be the c part c okay Then descending order. Descending मतलब बड़े से छोटा यहाँ पे जीरो है जीरो से जितना राइट जाएंगे उतना बड़ा तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगा सेकंड पे ये आएगा थर्ड पे ये और फोर्थ पे ये
जीरो से जितना लेफ्ट जाएंगे नंबर छोटा होता जाएगा. सो सी इज द राइट आंसर. क्लियर? ओके. ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ माइनस थ्री इंटू थ्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री? एकम टेल मी द आंसर. माइनस थ्री इंटू थ्री आंसर मैम नेगेटिव नाइन. यस, माइनस नाइन lies on the right hand side of minus 9. किसके right hand side में है? मान लो यहाँ पे 0 है, हमारे पास जो भी option में digits है मैं लिख लेती हूँ. 0 के right में आएगा positive number, minus 4 यहाँ आएगा, minus 10 minus 9 के left में आएगा. तो minus 9 हमें पूछा है कि किसके right में है, कौन से number के right में minus 9 आ रहा है? Who will tell me? Ma'am, can I tell? Virat, Viraj, Ekam, कौन बताएगा? Ma'am, negative 10. Minus 10, yes. Minus 10 के right जाएंगे, तो minus 9 है. 9 के, 0 के या minus 4 के left में minus 9 है. तो minus 10 से right जाएंगे, तो we will get minus 9. Okay. The value of 5 divided by minus 1. इसको डिवाइड करके क्या आंसर आएगा? विराट, टेल मी. Minus 5. Does not lie between. Minus 5 कौन से दो नंबर्स में लाई नहीं करता? 0. Let it be minus 5. 0 and 10. क्योंकि minus की टर्म है और दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में नेगेटिव टर्म नहीं हो सकती. क्लियर? अगर आप चाहो तो सारे ये वाले नंबर लाइन पे ड्रॉ करके चेक कर सकते हो, लेकिन सीधा हमें पता लग रहा है टर्म हमारी नेगेटिव थी, तो दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में नेगेटिव नंबर नहीं होगा. वेल डन. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11. वाटर लेवल इन अ वेल वॉज 20 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल. मान लो ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और जो वाटर का लेवल है इससे 20 मीटर बिलो है ग्राउंड से. ड्यूरिंग रेनी सीजन रेन वाटर कलेक्टेड इन डिफरेंट वाटर टैंक्स वाज ड्रेन्ड इनटू द वेल. जब बारिश होती है तो डिफरेंट जो भी वाटर टैंक्स है उनमें जो पानी इकट्ठा होता है उसे वेल में डाल दिया जाता है, और इसका जो लेवल है 5 मीटर अप हो जाता है. मतलब अब पानी यहां पहुंच गया. बताओ ये कहां पहुंचा? क्या लिखूं मैं इसकी वैल्यू? बताइए. पहले पानी का लेवल ग्राउंड से 20 मीटर नीचे था, रेनी वाटर सारा इसमें डाला तो लेवल 5 मीटर बढ़ गया. 20 था, अब 5 बढ़ गया. मैम 25. बट नो बच्चा, बिलो द ग्राउंड है ना, तो इट शुड बी माइनस ना मैम. यस यस. तो क्या आएगा? तो मतलब 20 में से 5 गया, 15 मीटर पे पहुंच गया लेवल, राइट? पहले ग्राउंड से 20 मीटर नीचे था, अब ग्राउंड से 15 मीटर नीचे है. द वॉल ऑफ द वेल, जो कुएं की ये दीवार है इसकी हाइट कितनी है? हाइट ऑफ द वॉल. ओके, जस्ट अ मिनट. हाइट ऑफ वेल, कुएं की ऊंचाई कितनी है? अब मुझे देखो, जो आंसर्स हैं सारे मीटर्स में गिवन है. दिस इज 1 मीटर 20 सेंटीमीटर. मीटर में इसका आंसर क्या होगा? यस, क्या होगा? मीटर में कन्वर्ट करो. 1.20 सेंटीमीटर. यस, मीटर 1.20 मीटर. पुली की हाइट है 80 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया, सो डिवाइड बाय 100, 0.80 मीटर. अब कह रहे हैं रघु वांट्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी खींचना है. द मिनिमम लेंथ ऑफ रोप, मतलब जो रोप है रस्सी को कहां तक पहुंचना है? 15 मीटर तक. Yes, क्योंकि 15 मीटर पे पानी है, तो उसे रोप की कितनी लेंथ लेनी होगी? सो लेंथ ऑफ द रोप क्या होगी?
मैम मिनिमम ही मैम इन मिनिमम ही नहीं है जिसमें 17 मीटर था, 5 मीटर लेवल अप हुआ, प्लस जो ये दोनों हाइट है पुली की और जहां पे वेल की, वो भी सारी ऐड होंगी। सो इन्हें ऐड करो, व्हाट इज द फाइनल आंसर? 20 5 15, इन दोनों को ऐड किया 2, सो 17 मीटर। इज इट क्लियर? यस मैम। सभी को? यस एकम, विराट, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, माइनस 11 इंटू 7 इज नॉट इक्वल टू, किसकी टर्न है आप एकम बताइए, किसके इक्वल नहीं है? देखो इनको सॉल्व करोगे आंसर विल बी नेगेटिव, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस की एक ही टर्म है, टर्म्स देखो सब में सेम है, 11 7 11 7, यहाँ भी नेगेटिव, एक ही टर्म नेगेटिव की है, यहाँ बाहर माइनस है, ये दोनों टर्म नेगेटिव है, इन्हें मल्टीप्लाई करने पे आंसर पॉजिटिव आएगा, सो दिस इज नॉट इक्वल टू सी पार्ट। क्लियर? यस मैम। ओके नेक्स्ट विराट बताइए, 13 का आंसर क्या होगा, सॉल्व इट। Yes, Virat, what is the answer? 43. Yes, 43 is the right answer. पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मास रूल हमने पढ़े, माइनस 10 इंटू माइनस 5 50, प्लस माइनस माइनस 50 माइनस 7 43. नेक्स्ट विराज योर टर्न, which of the following is not the additive inverse of A? Not the additive inverse. Yes, Viraj. Ma'am, minus A. Minus, minus A. आप लिखो additive inverse of A is minus A. तो minus, minus, plus A हो गया first part में. So, यही इसका additive inverse नहीं होगा. Moving to next one, Ekam, your turn. Which of the following is the multiplicative identity for an integer A? Which is the multiplicative identity? हमने पढ़ा था multiplicative identity क्या होता है, कि उस integer को किससे multiply करे कि answer will remain the same. Ma'am, 1. One, very good. One is the multiplicative identity. Next, Virat, your turn again. Minus 8 multiply minus 3 multiply minus 4 is not equal to. And it's not equal to the D part. Yes. क्योंकि तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई का साइन है. वेल डन विराट, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई में टर्म्स को हम आगे पीछे लिख सकते हैं. सो माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 कोई भी टर्म आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन डी पार्ट में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो वो यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि तीनों टर्म में मल्टीप्लाई है. सो डी इज द रॉन्ग ऑप्शन. नेक्स्ट विराज आपका टर्न. Minus 25 multiply 6 plus 4 is not same as. Ma'am, the answer is C part, minus 25 into 6 yes, into 4. Yes, minus 25 into 6 into 4. C option is the right answer. Well done. यहाँ पे distributive property भी use हो सकती है. हमने 6 plus 4 10 किया, इसे भी multiply कर सकते हैं. Multiply bracket में plus का sign है. We can apply distributive property here. और सिंपली सॉल्व करके फाइनल आंसर ये आ रहा है माइनस 250. सो सी इज द रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट वन एकम, माइनस 35 इनटू 107 इज नॉट सेम एज. मैम नेगेटिव 30 माइनस 5 इनटू 107. ऑप्शन बताइए. मैम डी. डी एकम, यू आर सेइंग डी ऑप्शन.
यस मैम. हाउ डी बचा? नॉट सेम एज. देखो, या तो मैंने 35 को पहले में क्या किया, ये पार्ट में 107 को स्प्लिट कर दिया 100 प्लस 7. बी पार्ट में फिर इसी पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, माइनस 35 इंटू 7 प्लस माइनस 35 इंटू 100, ये भी इक्वल होगा. इस वाले पार्ट में माइनस 35 को 7 से मल्टीप्लाई किया लेकिन प्लस 100 कर दिया, दिस इज रॉन्ग, ये सेम नहीं होगा. और डी पार्ट में तो हमने 35 को स्प्लिट कर दिया, माइनस 30 माइनस 5 इंटू 107. किसी भी टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं हम, पहले वाली टर्म को भी और सेकंड टर्म को भी. ठीक है, क्लियर है कम? यस. नेक्स्ट वन विराट. हाउ विल यू सॉल्व इट? ये तो सिर्फ एक बार आंखों से देखने से ही क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है. अब जैसे हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके थे, क्विकली आंसर मिल रहा है, इतना सोचने की तो जरूरत ही नहीं है. We will apply distributive property here. 43 multiply 1. Yes. Take minus 43 common. यहाँ पे बचा minus 99. अगर यहाँ से मुझे minus के 43 common लेना है, so I will write it as minus 43 multiply minus 99. मुझे यहाँ चाहिए प्लस के 43. प्लस के 43 कैसे आएंगे? दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, अगर दोनों नेगेटिव की होंगी. माइनस 43 मल्टीप्लाई माइनस 1, माइनस 43 कॉमन, माइनस 99 माइनस 1 मल्टीप्लाई करके आया माइनस 100, माइनस माइनस प्लस 4300 इज द राइट आंसर. गुड. नेक्स्ट विराज. मैम द आंसर इज ऑप्शन ए. ऑप्शन मैम, ऑप्शन ए, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 16. माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4. अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं तो दोनों सेम नहीं होंगे. माइनस कॉमन ले लिया, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज 4. 16 डिवाइडेड बाय माइनस 4, माइनस 4, ये तो है ही माइनस 4. इन्हें सॉल्व करोगे तब भी आंसर आया माइनस 4. लेकिन जब आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करोगे, आंसर विल बी माइनस 1/4, नॉट माइनस 4. आंसर विल बी माइनस 1/4. सो दिस इज द रॉन्ग आंसर. हम इसका आंसर आसानी से पता चल जाता है क्योंकि डिवीजन इज अ रिपीटेड मल्टीपल में रिवर्स डिजिट करने पे आंसर सेम नहीं होगा. यस. ओके, नेक्स्ट एकम. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इंटीजर? यस एकम, बताइए. मैम 12 डिवाइडेड बाय 5. यस. व्हाई? क्योंकि ये किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं होता, ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया. अभी रैशनल नंबर में आप पढ़ोगे, क्लास 7th में रैशनल नंबर का चैप्टर भी आएगा. तो ये अगर मैं अभी के लिए कहूँ, ये फ्रैक्शन में आ गया. ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, 0 इज एन इंटीजर. इसको डिवाइड किया, -5 -3, ये सारे इंटीजर्स हैं. लेकिन माइनस 12/5 इज नॉट एन इंटीजर. गुड. नेक्स्ट विराट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? यू विल हैव टू सॉल्व दीज. मैम ए इज डिफरेंट. ए इज डिफरेंट, आर यू श्योर? प्लीज चेक इट वंस अगेन. यस, माइनस माइनस प्लस के 5. So C is different. बाकी सबको सॉल्व करने पर आंसर इज माइनस 5, बट इन ऑप्शन सी इट इज प्लस 5. सो ऑप्शन सी इज डिफरेंट. ओके विराज, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम द आंसर इज ऑप्शन बी, माइनस 10 टू प्लस 1. ओके, तो जब भी हमें राइज इन टेम्परेचर करना है, सब्ट्रैक्ट करो 32 माइनस 23. यहाँ पे डिफरेंस है 9 का, 1 माइनस माइनस 10, डिफरेंस है 11 का. उसके बाद माइनस 11 माइनस माइनस 18, माइनस 11 प्लस 18, डिफरेंस आया 7 डिग्री.
5 minus minus 5, 5 plus 5, difference आया 10 degrees. So, सबसे ज्यादा rise in temperature है 11 degrees minus 10 to 1. Clear? अगर आपको ऐसे find करना है paper में, तो क्या करोगे, कैसे find करोगे? ठीक है? Okay, next one. Ekam. If A and B are two integers, then which of the following may not be an integer? क्या इंटीजर नहीं हो सकता? अगर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि अगर ए एंड बी आर इंटीजर्स तो ए प्लस बी भी एक इंटीजर होगा, ए और बी इंटीजर है तो ए माइनस बी भी इंटीजर होगा, तो बताइए कौन सा इंटीजर नहीं हो सकता? हो भी सकता है उसकी वैल्यू हो और नहीं भी हो सकता. यस एकम, Not able to understand, बच्चा? Okay, let me give you an example. A और B अगर integer है, मान लो A 2 है, B minus 3 है, ठीक है? Same integer मैंने ले लिए. 2 minus 3 minus 1 integer आ रहा है. Now 2 minus minus 3, तो ये हो गया 2 plus 3, 5 is again an integer. 2 multiply minus 3, minus 6 is an integer. 2 divided by minus 3, this is not an integer. So, A divided by B, अगर मान लो मेरे पास होता A 12, B minus 3, तो answer एक integer है. तो may not be मतलब कि नहीं हो भी सकता. हो भी सकता है, possibility है भी और नहीं भी. So, division के case में, दो integers को divide करके answer integer ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है. क्लियर? चलिए, द आंसर इज बी, 0 डिवाइडेड बाय ए. ओके, लेट मी चेक. फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर ए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड? कौन सा कहा विराट आपने? मैम बी. हाउ विराट, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग विल बी? यस मैम, 0 डिवाइडेड बाय 0 is not defined. Why are you getting confused? I'm not possible. Something divided by 0 is not defined. 0 upon something is 0. A divided by 1 is A. 1 divided by A. A ki koi bhi value hogi kyunki integer ka hai. Non-zero. Jiski value 0 na ho. To A ki value 1, 2 kuch bhi ho sakti hai. Okay, next one. Viraj. Encircle the odd one. Question number 26. Which one is odd? Ma'am, it's my turn, Viraj. Option bataiye. Ma'am, option C. Yes. Kyunki yahan pe same integers hai, but with opposite sign. Minus 3, 3. Minus 5, 5. Minus 8, 8. So, minus 6, 1 is different. Ekam. Next 27 ekam batayenge. Which one is different? Yes, ma'am. Odd. Yes, Ekam. Ma'am, negative 4 plus 1. C part. Why, bacha? Ma'am, C. No, C is not the right answer. Yahan pe dhyan se dekho. Isme dono integer negative hai. Aur B, C aur D mein ek negative, ek positive. Ek negative, ek positive. Ek negative, ek positive. So, odd wo hua jisme dono negative the. Yes or no? Yes, ma'am. Next, Virat. Which one is odd? C. C. Because its answer is negative and all the other parts answer are positive. Okay, two terms negative, so answer will be positive. Two terms negative, positive. Two terms negative, positive. Yahan pe three terms hai negative. Terms same hai, multiply ho rahe hai. So C part mein answer negative aayega. This is odd. Okay. Viraj, question number 29. Option A. Option A. Okay, let me check. 5, 2s are 10. 9, 9s are 81. 9 se 32. Ye to divide nahi hota. Yes, bacha, D. It should be D.
ऑप्शन डी इज डिफरेंट ना, बाकी सब में तो आंसर एक इंटीजर आ रहा है लेकिन माइनस 32 9 से डिवाइड नहीं होता, सो दिस विल बी डिफरेंट, यस और नो? ओके एकम नेक्स्ट 30th, ओके बताइए एकम। यस मैम, आई थिंक डी पार्ट ए। ओके नंबर ऑफ टर्म्स 3, आंसर नेगेटिव आएगा, 1 2 3 4 पॉजिटिव आएगा, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव आएगा और यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, सो ऑप्शन बी इज डिफरेंट, उसमें आंसर नेगेटिव आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, राइट? यस मैम। ओके लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। मैम द आंसर इज ए। ओके माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इक्वल कब होगा, बी प्लस माइनस ए, यही आना चाहिए, सो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, राइट आंसर, सो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। नेक्स्ट विराज 32। मैम जीरो। यस जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग विल बी जीरो। एकम। यस मैम। 33 सॉल्व करेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 7 into 19 मैम वेट अ मिनट, आई एम स्टिल कैलकुलेटिंग। ओके माइनस 157 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा, हु विल टेल मी? यस विराट फर्स्ट स्टेप बताएंगे। माइनस 170 माइनस 57 मतलब माइनस 19 प्लस 1 क्योंकि 157 प्लस है, तो वी विल राइट इट एज माइनस 157 मल्टीप्लाई माइनस 1 Yes, 3140 is the right answer. Viraj, next में बताएंगे। मैम which part? 34th. मैम मैम माइनस एट प्लस मैम माइनस एट प्लस यहाँ पे आप लिखोगे जीरो सॉरी 5 और माइनस 8 तो क्या आंसर सेम आएगा, यहाँ पे माइनस 3 में भी ऐड हो रहा है ना, देखो मैं बता रही हूँ फाइनल आंसर इज माइनस 3, राइट? दो टर्म्स इक्वल होती है तो उसमें टर्म्स सेम होती है, अब यहाँ पे माइनस 3 है तो यहाँ पे माइनस 3 कर दो पहले, ठीक है? अब यहाँ पे माइनस 8 है, माइनस क्या आया, माइनस 11 में क्या ऐड करूं कि माइनस के 3 मिले, जब डायरेक्टली देखो माइनस 3 यहाँ है, माइनस 8 प्लस 8 होगा 0, तो यहाँ आएगा प्लस के 8, इज इट क्लियर? माइनस 3 मुझे फाइनल आंसर चाहिए था, माइनस 3 यहाँ पे है तो मैंने यहाँ फिल किया, अब मेरे पास माइनस 8 प्लस माइनस 3, माइनस 3 मुझे आंसर चाहिए उसको छोड़ दो, तो माइनस 8 मुझे कैंसिल करना है, माइनस 8 में क्या ऐड कर दूं कि वो 0 हो जाए प्लस के 8, सो वो हमारा आंसर आ गया। एकम 35th, On the following number line, minus 4, minus 3, minus 12. कौन सा point minus 12 represent कर रहा है एकम? बताइए। ये देखो यहाँ पे 2 है, तो it means 2, 2 का gap चल रहा होगा।
Ma'am, I have written in chat. Please check. हाँ जी मैम, इट्स एफ. विराज देख लिया बच्चा, अभी देखते हैं. यस एकम. मैम एफ से पहले क्या आएगा? जीरो. देन जीरो का गैप चल रहा है. बताइए जल्दी, माइनस ट्वेल्व कौन से पे आएगा? विराज, योर आंसर इज राइट. विराट, व्हाट अबाउट यू? मैम डी. डी, यस, डी इज द राइट आंसर. माइनस सिक्स, माइनस एट, माइनस टेन, माइनस ट्वेल्व, सो डी इज द राइट आंसर. आप आगे लिख भी सकते हो चेक करने के लिए, माइनस फोर्टीन, माइनस सिक्सटीन, माइनस एटीन, देन माइनस ट्वेंटी. विराट, यस विराज. मैम द आंसर विल बी मैम जीरो. यस, माइनस 43 प्लस जीरो विल बी माइनस 43. एकम, तीन बार ऐड कर रहे हैं माइनस एट, दैट विल बी इक्वल टू. मैम माइनस 20, मैम पॉजिटिव 24. वो बच्चा थ्री, हम ग्रुपिंग नहीं करते थे जब हमने प्रीवियस छोटी क्लास में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, तो हम क्या कहते थे? मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. सेम टर्म तीन बार रिपीट हो रही है, सो वी कैन राइट इट एज थ्री मल्टीप्लाई माइनस एट. ठीक है, जब हमने फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करना सीखा था तो हमने यही सीखा था, मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन. एक ही टर्म जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो डेट मल्टीप्लाई, वो एक बार उस टर्म को लिखेंगे. देखो दोनों केस में आंसर सेम होगा, एट प्लस एट प्लस एट ट्वेंटी फोर माइनस के, और थ्री इंटू माइनस एट भी माइनस ट्वेंटी फोर. विराट, नेक्स्ट वन. मैम फाइव मल्टीप्लाई इलेवन बिकॉज़ माइनस साइन इज़ ऑलरेडी देयर. यस, फाइव इनटू इलेवन या इलेवन इनटू फाइव सो आंसर इज इक्वल टू सिक्स. सिक्स मल्टीप्लाई साइन इज़ देयर इन बिटवीन. इलेवन फाइव साइन फिफ्टी फाइव. यस, माइनस के. राज, नेक्स्ट वन. द आंसर इज माइनस 180. Yes, minus 180. Okay. अब मुझे बताओ क्या 40 तक क्वेश्चन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है?